अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। लाया हूँ आपके लिए बेहतरीन और मुजर्रब अमल जिसका नाम है अमल नादे अली हर हाजत के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं कटता है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मैं आपके सामने जो अमल लेकर आऊँ बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब अमल है नादे अली शरीफ का। तो दोस्तों, अगर इंसान के दिल में अगर कोई हाजत हो और वो पूरी अगर नहीं हो रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को कीजिएगा। जो तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगा उस तरीके के साथ इस अमल को कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा आपकी हर ज़रूरत हर हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, दिल में आप मजबूती रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा रखने के बाद, रब के कलाम पर एतक़ाद अकीदा रखने के बाद। दोस्तों, जब आप अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अमल करने के बाद जब उससे फरियाद करेंगे तो रब तबारक व ताला अपने बंदों की दुआ को ज़रूर सुनता है और अपने बंदों की मुरादों को ज़रूर पूरा करता है। तो दोस्तों, नादे अली के मुतालिक से मैं छोटा सा एक वाक्य मैं आपको जो मशहूर वाक्य है वो सुनाता हूँ। मशहूर है, मकबूल है। जवाहर खमसा में लिखते हैं कि गज़वाए तबूक में जब लश्कर इस्लाम पर शिकस्त के आसार जाहिर हुए तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों की परेशानी हाल देख कर के मगमूम होने लगी। उस वक्त में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ये कलमात यानी कि नादे अली शरीफ लेकर के आए और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें पढ़ा। तीन मरतबा पूरे ना हुए थे, शेर खुदा हाजिर आए और लबाब की तरह झपटे। चंद ही साथ में कुछ को जमीन पर गिरा दिया और बाकी फरार हो गए। अल्लाह अकबर, उस फतह में बहुत ही माली गनीमत मुसलमानों को हासिल हुआ। तो गोया नादे अली शरीफ एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। दोस्तों, अब तरीका आप इसका सुन लीजिएगा। आपको जो मैं आपको पढ़कर के सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसको जो है आपको सिर्फ अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दरूद शरीफ यानी कि शुरू में तीन मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और बीस में सिर्फ 22 यानी कि 22 मरतबा, ठीक है, 22 मरतबा 11 दिन तक, ठीक है। आपको दोस्तों 11 दिन तक ये अमल जो है आपको पढ़ना है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 दिन में आपकी हर हाजत हर ज़रूरत अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अमल में पढ़ करके मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके जो है आपको सुना दूँ, है ना। आप जो है सही तरीके से इसको पढ़े, इसको सुन लीजिएगा और इसको जो है दोस्तों याद भी कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु अउनल्लका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिं व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बि वलायतिका या अली या अली या अली। एक बार और पढ़कर सुना देता हूँ दोस्तों। नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु अउनल्लका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिं व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बि वलायतिका या अली या अली या अली। दोस्तों, अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद शरीफ 11 दिन तक पढ़ना है। किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, बेहतर है ईशा की नमाज के बाद, ठीक है। बेहतर है कि ईशा की नमाज के बाद आपको जो है पढ़ना है। दोस्तों, अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।